दोस्तों ऑटोमोबाइल मार्केट को जैसे अप्रैल में सेल की उम्मीद थी वैसे नहीं रही। दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल का महीना कम सेल लेकर आया, लेकिन फिर भी ऐसी गाड़ियां रही जिन पर इस गिरावट का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों हमेशा की तरह ये गाड़ियां मारुति सुजुकी की ही दिखी। दोस्तों टॉप 10 कारों की बात की जाए तो उसमें 6 गाड़ियां मारुति की रही। वहीं 2 दशक से भी ज्यादा समय से बाजार में अपना कब्जा जमाए मारुति सुजुकी वैगनआर ने फिर एक बार बाजी मार ली। दोस्तों कंपनी ने वैगनआर की 20,000 से भी ज्यादा यूनिट्स की सेल की। और दोस्तों वहीं दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट और तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो रही। और इस बीच कंपनी की एक कार ऐसी भी है जिसने ताबड़तोड़ सेल करते हुए टॉप 10 लिस्ट में फिर से जगह बनाने में कामयाब रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो की, जो अभी भी एक फैमिली खूब पसंद की जा रही है। दोस्तों मार्च महीने में ये कार 14वें नंबर पर पहुंच गई थी और वहीं अप्रैल में वापसी करते हुए फिर से ये सेल के मामले में 7वें नंबर पर पहुंची है। दोस्तों वहीं बीते महीने अप्रैल 2023 में मारुति सुजुकी ऑल्टो की 11,548 यूनिट्स की बिक्री हुई है, और जबकि इससे एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2022 में इसकी 10,400 यूनिट्स की सेल हुई थी। और इस तरह ऑल्टो की सेल में 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। दोस्तों वहीं अगर मार्च के मुकाबले तुलना करें तो ये फासला और भी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि मार्च में इस कार की 9,140 यूनिट की सेल हुई थी। दोस्तों असल में मारुति सुजुकी ऑल्टो अभी तक 2 मॉडल्स में ही उपलब्ध थी और इसमें मारुति ऑल्टो 800 और मारुति ऑल्टो K10 मॉडल शामिल है, लेकिन कंपनी ने अब ऑल्टो 800 को बंद कर दिया है। और इसके बंद होने का मुख्य कारण BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स का लागू होना है, और इसलिए अब ऑल्टो के नाम पर सिर्फ एक मॉडल यानी कि ऑल्टो K10 रह गया है जो बाजार में बचा है। दोस्तों अप्रैल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार के बारे में बात करें तो वो है मारुति सुजुकी वैगनआर, जिसकी 20,880 यूनिट्स बिकी है, और दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है जो 18,570 यूनिट्स की बिक्री पर है। दोस्तों तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो है जिसकी बिक्री 16,180 यूनिट्स बिकी है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।